लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम जैसे ही खुलने लगा है, सेब बागवान सक्रिय हो गए हैं। रामपुर और साथ लगते इलाकों में बागवानों ने सेब के बगीचों में स्प्रे का कार्य तेज कर दिया है। इस दौरान सेब पौधों में बागवान ट्री स्प्रे ऑयल और हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल स्प्रे करते हैं ताकि पौधों में स्केल और दूसरी बीमारियां ना लगे। इसके साथ पौधों को भी खुराक मिल सके। इस स्प्रे से पौधों में बीमे मजबूत होंगे और फ्लावरिंग के दौरान फूल नहीं झड़ेंगे। इसी तरह सेब पौधों के तनों को भी चूना आदि लगाकर बीमारियों से बचने का कार्य हो रहा है। हालांकि बागवानों को अभी सेब पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक दवाओं का स्टिक विकल्प नहीं मिला है, फिर भी बागवान जैविक विधि से बीमारियों को दूर करने और रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फसल जैविक लिया जा सके और इसके साथ साथ भूमि में भी उर्वरक शक्ति बनी रहे। बागवान तिलक राज ने बताया कि इससे पहले पौधों में चूना लगाया जाता था और अब ट्री स्प्रे ऑयल की स्प्रे की जा रही है। इससे स्केल की बीमारी नहीं लगेगी। जड़ों के साथ नीला थोता डाला जा रहा था। प्रयास है कि जैविक विधि से ही बागवानी किया जाए ताकि भूमि में उर्वरक शक्ति बनी रहे और फसल भी जैविक रहे। मेरा नाम तिलक राज, एंजल और चोल छलावट। आजकल मैं काम आजकल स्प्रे कर रहे हैं TSO की, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल। तो जो इससे क्या होगा कि हमारे जो स्केल आती है सेब में वो खत्म हो जाएगी और जहाँ तक हो सके किसानों को जो है ऑर्गेनिक तरीके से ही सेब पर काम करना चाहिए। उससे हमारा जो है बहुत बेनिफिट है। कोई भी खाद हो, फर्टिलाइजर जो है कम यूज करो अपने खेत में। किशोर नेगी ने बताया कि आजकल हम TSO की स्प्रे कर रहे हैं, इससे पौधों के बीमे मजबूत होंगे और पौधों को गर्माइश आएगी। नमस्कार जी, मेरा नाम किशोर नेगी, मैं भड़ौली से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, आजकल मौसम साफ हो चुका है तो हम तौली वगैरह हमने कर दिए और अब हम TSO कर रहे हैं।